अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अहमद अरसलान है और मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज मैं KPMG के अंदर आया हुआ हूँ और आपसे यहाँ पर अंदर जो मौजूद यहाँ पे ट्रेनीज़ हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स वगैरह हैं, इन सब से हम बात करेंगे। इनसे पूछेंगे KPMG का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ पर आर्टिकल्स का क्या प्रोसीजर है और ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। सो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसके अंदर हम आपको काफ़ी सारे लोगों से मिलवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे साथ अशर महबूब हैं एंड ये इस वक्त KPMG कुवैत की स्कॉटमेंट के ऊपर हैं, तो इनसे हम डिस्कस करते हैं इनकी CA जर्नी के बारे में और इनका कैसा यहाँ पर रहा है KPMG लाहौर का और KPMG कुवैत का एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच। आपने CA क्यों शुरू किया? CA इसलिए शुरू किया क्योंकि इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक बहुत लंबी स्टोरी है जो इसके अंदर मैं डाल देता हूँ शुरू में। अब आपको पता है कि यूजली CA में लोग आ रहे होते हैं, मेडिकल वाले भी प्लस इधर से घूम के ऑल थिंग्स आ रहे होते हैं, बट अब मेडिकल की तरफ जो हम ये मैं अपनी सच्ची स्टोरी बता देता हूँ कि अब्बा की तरफ से प्रेशर था कि यार डॉक्टर बने बच्चे एंड ऑल थिंग्स जो भी है, बट इस तरफ मेरे काफ़ी कजन्स वगैरह थे जो ACCA क्वालिफाइड भी थे और इस चीज़ के ऊपर मतलब वो जा रहे थे, तो उनकी सक्सेस स्टोरीज देखी, फिर उनसे डिस्कस किया आफ्टर द FSC एंड आई जस्ट गॉट पार्ट टू इट्स, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद स्टार्ट किया, फर्स्ट टाइम में कैफ किया, फिर इंडक्शन हुई KPMG में और उसके बाद ये सारा फिर प्रोसेस। अच्छा, KPMG में इंडक्शन क्यों हुई? क्योंकि बिग फोर उस वक्त तो थी सारी पाकिस्तान में चारों फार्म से, तो व्हाई यू सिलेक्टेड KPMG? KPMG में मैं आपको बताऊं, इससे यही चीज़ था कि इधर से पहले मेरे कुछ थे जानने वाले जिन्होंने किया हुआ था, आर्टिकल्स किए हैं, पोस्ट आर्टिकल्स, उनसे डिस्कशन हुई तो उनका था कि अब मेरा जो मेजर था वो टैक्स की तरफ जाने का था। उनकी तरफ से ये था कि इस टाइम पे बिग फोर में आपको टैक्स का एक्सपोजर जो यहाँ पे मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। सो आपके आर्टिकल्स टैक्स के अंदर हैं, ऑडिट के अंदर हैं? मेरे अभी तक आर्टिकल्स ऑलमोस्ट 3 साल के होने वाले हैं सारे टैक्स में। तो जो आपका पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है वो भी टैक्स पे है और जो बाहर है वो भी टैक्स पे है? जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है वो भी टैक्स में है और जो बाहर के वो भी सारे टैक्स में। आपने ऑडिट में रोटेशन क्यों नहीं ली? क्योंकि इन लॉन्ग रन मैं अपना सारे करियर टैक्स की तरफ ही देख रहा हूँ, तो अब इसकी तरफ ही थोड़ा सा वो कहना चाहूँ स्पेशलाइज्ड, तो अब सारी चीज़ें टैक्स से रिलेटेड ही पाकिस्तान हो जाए, चाहे अगर बाहर के एक्सपोजर कोई और भी कॉन्वेंट करता हूँ या फिर कहीं जॉब वगैरह भी, तो इसको ही कैरियर को साथ लेके चलूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक क्वेश्चन हमें रिपीटेडली रिसीव होता है कि स्कॉन्वेंट KPMG में बहुत ज़्यादा आती है, तो इसके ऊपर अभी क्या टेक है? एक तो स्कॉन्वेंट का बता दें कि रिमोट या फिज़िकल वो होती क्या है, एंड सेकेंडली KPMG में अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आती हैं स्कॉन्वेंट की, और अगर कोई बंदा किसी ने अप्लाई करना है तो उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या नहीं? स्कॉन्वेंट के ऊपर अब ऑडिट और टैक्स का दो वाला आ जाता है ना। अब ऑडिट वाला तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो, अगर मैं टैक्स वाला डिस्कस करूँ तो उसमें यही है कि उनको यही चाहिए होता है कि उसका थोड़ा बहुत एक्सपोजर साथ चल रहा हो, पिछला अगर टैक्स का हो तो ईजिली आप इंटरव्यूज वगैरह पास आउट कर जाते हो, आपके जो पार्टनर्स वगैरह साथ हो रहे होते हैं, लेकिन आपको एक्सपोजर पीछे ना भी हो तो अगर आपको इसकी तरफ थोड़ा सा दिल हो कि यार मैंने इस तरफ काम करना है तो आप इंटरव्यूज वगैरह पास करते हो और इस चीज़ को लेकर बैठ जाते हो। अब मेरा मेजर इस तरफ आने का मकसद ये था कि मैंने अराउंड कोई 2 साल इसमें लगा लिए हुए थे लोकल में, तो अब ये था कि कुछ नया करें तो उस तरफ इस गवर्नमेंट की तरफ मूव हुआ। तो उसके लिए क्या मतलब जिस तरह अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपने खुद कहा कि मैंने जाना है, आपको किसी मैनेजर ने कहा कि आई हुई अपॉर्चुनिटी आपने जाना है या नहीं जाना, और फिर उसका सारा प्रोसेस क्या था? प्रोसेस उसका ये है कि यूजली जब इस तरह की कोई ऑफर आती है तो यहाँ पे रोटेट हो रही होती है, पूरे फ्लोर पे बात होती है, मतलब अगर यहाँ पे टैक्स में कोई स्कॉटमेंट आती है या ऑडिट में तो सब लोगों को बताया जाता है टैक्स में, और यूजली जो इर्द गिर्द के खास तौर पे होते हैं उन्हें पता होता है कि हमें इधर ही एक्सपोजर के लिए मतलब एक वैकेंसी खाली है, तो उसे वो पूछते हैं सारे मैनेजर से आपके पास कोई ऐसा है अवेलेबल जो आपके ट्रेनी, पहले उनके ये चांस होता है कि ट्रेनी को ये अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो सारे स्कॉटमेंट करें एंड ऑल थिंग्स, पूछते हैं जिसके पास जो अवेलेबिलिटी होती है। अब कुछ ऐसे ट्रेनीज होते हैं जो क्लाइंट लगे हुए वो नहीं आ सकते, तो फिर इस तरह पूछ के उनकी CVs आगे फॉरवर्ड की जाती हैं। जैसे मैं अपना एक्सपोजर बताऊं, जैसे अभी नाफे भाई के पास आया कि एक स्कॉन्वेंट अब कुवैत में चाहिए बंदे, तो उन्होंने पूछा, जैसे मेरे पिछले जो एक्स मैनेजर थे वो थे शेरयार अली, तो उनसे उन्होंने पूछा कि आपका बच्चा अगर विलिंग है एंड ऑल थिंग्स, उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बोला हाँ जी मैं विलिंग हूँ, मैं एक्सपोजर चाहता हूँ, फिर CV दी एंड फिर आगे वो इंटरव्यूज हुए एंड सर वो चल रहा है। अच्छा, उसमें कोई मतलब ऐसे क्राइटेरिया है कि मतलब एक बच्चा नया आता है उसको जूनियर है, फिर वो थोड़ा टाइम लगाता है, सीनियर होता है, तो इस तरह कोई बाइफरकेशन है कि जूनियर जाएगा या सीनियर जाएगा या सेमी सीनियर जाएगा? स्कॉन्वेंट पे आप कह रहे हो? स्कॉन्वेंट में, यस। स्कॉन्वेंट पे कुछ स्कॉन्वेंट्स पे आती है कि वो कहते हैं कि एटलीस्ट सेमी सीनियर उनको चाहिए होता है, लेकिन यूजली कुछ के ऊपर रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं और वो आपके पिछला इंटरव्यू पे डिपेंड कर रहा होता है कि वो आपको जज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली कि आप इसके ऊपर आप पूरा उतर पाओगे कि नहीं। अब अगर किसी की रिप्लेसमेंट आती है तो वो चेक करते हैं कि वो उस चीज़ को कर पाएगा कि नहीं। अच्छा, उसके अलावा जो बंदा स्कॉन्वेंट पे जाता है तो क्या उसको कोई इसका मॉनिटरी एडिशनल बेनिफिट होता है?
मॉनेटरी एडिशन बेनिफिट होता है, हायर इंस्टॉलमेंट का है अपना होता है। अच्छा अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली स्टाइपेंड से काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाए, मतलब स्टाइपेंड से डबल होता है या उसके जितना होता है उससे तो ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। मतलब अगर एक बंदा स्कॉनमेंट कर रहा है तो उसको स्टाइपेंड भी मिलता है और उसके जितने पैसे भी या उससे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं अलाउंस मिल रहा होता है। ओके थैंक यू सो वेरी मच अशर, आपने टाइम दिया एंड गुड लक टू यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद अली और ये ऑडिट के ट्रेनिंग है KPMG के अंदर। इनसे पूछेंगे, ये रिसेंटली इंडक्ट हुए हैं, इनको अभी 3-4 महीने हुए हैं, सो इनसे हम इनके इंडक्शन के प्रोसेस के बारे में पूछेंगे और इनका KPMG में ये क्यों आए और इनका ऑडिट एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है वो पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा हाफिज़ मोहम्मद अली साहब, पहले तो ये बताएँ कि आपने KPMG के अंदर क्यों आए, वाई नॉट अदर बिग फोर फर्म्स? जी जी, जब बिग फोर मैंने फर्म्स विजिट की तो इन्वायरमेंट वगैरह मुझे KPMG का अच्छा लगा, देख के फॉर्म अच्छी लगी, क्लाइंट्स अच्छे लगे, सीनियर्स भी थे जिनके साथ अटैचमेंट थी, पर्सनल अफिलिएशन थी, तो फिर KPMG को ही मैंने सेलेक्ट किया। कहीं और अप्लाई किया था? और एक दो फॉर्म्स में अप्लाई किया था लेकिन जब KPMG फाइनल कर ली फिर यहीं पर आ गई। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि स्टूडेंट्स के अंदर एक बात बहुत मशहूर है कि जो फर्म्स हैं बिग फोर फर्म्स हैं इनके अंदर जो है वो रेफरेंस बहुत ज़्यादा चलता है, सो आप इसके ऊपर आपका क्या टेक है? बेसिकली मैं तो ये देखता हूँ कि ये मिथ्स ज़्यादा मार्केट में, रियलिटी जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है। छोटी फर्म्स में शायद चलता हो लेकिन बिग फोर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सारा इंटरनेशनली हो रहा है, तो बहुत कम चांसेस हैं रेफरेंस के, ऐसा नहीं है। मतलब कि अगर एक बंदा आता है, एक स्टूडेंट है, वो कहीं से भी आता है किसी भी बैकग्राउंड से, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी? इनफैक्ट अप्रिशिएट किया जाता है यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड्स को, डिफरेंट कल्चर्स को मैं देखता हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट देखता हूँ जो ट्रेनिंग वगैरह आए हैं वो कोई बैकवर्ड एरियाज हैं, डेरा गाजी खान है, इस तरह के एरियाज, भावलपुर है, हर जगह से ट्रेनिंग यहाँ पे मौजूद है। अच्छा आप ऑडिट के अंदर स्कॉलमेंट कर रहे हैं तो ऑडिट वर्सेस टैक्स, क्योंकि अभी हमने एक पहले आपसे इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने वो टैक्स की स्कॉन्डरी थे, आप ऑडिट किए हैं तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पे ऑडिट में? इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है ऑडिट के अंदर। अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बिल्कुल एक टैक्स से डिफरेंट है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, आप मुख्तलिफ कॉरपोरेट कंपनीज के साथ काम करते हैं, सीखने को मिलता है, तो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। मुझे ऑडिट सेटिस्फेक्शन मेरी ऑडिट में इससे अच्छा लगता है। अच्छा ऑडिट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ का क्या, जैसे अब टैक्स में स्कॉनमेंट्स आती हैं ज़्यादातर रिमोट आती हैं, तो ऑडिट के अंदर क्या स्कॉनमेंट आती है? ऑडिट के अंदर इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्कॉनमेंट्स आती हैं और पिछले कुछ साल से तो KPMG में बहुत से स्कॉनमेंट्स आ रही हैं, मिडल ईस्ट से, यूरोप से काफ़ी स्कॉनमेंट्स आ रही हैं, और रिमोट भी हैं, फिजिकल भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, और जो लोग फिजिकली जाते हैं स्कॉनमेंट्स पे उनका और रिमोट स्कॉनमेंट्स का मतलब क्या कोई फाइनेंशियली डिफरेंस होता है दोनों में? फाइनेंशियल डिफरेंस तो ऑब्वियस ही बात होता है, वहाँ पे थोड़ा अलाउंस आपको ज़्यादा मिल रहा है, सेकॉन्डमेंट में भी अच्छा है, फर्म भी अलाउंस दे रही है, फॉरन क्लाइंट भी अलाउंस दे रहा है, लेकिन अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो नहीं जानना चाहते वो ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम करते हैं बैठ के। अच्छा ऑडिट के अंदर कौन कौन से स्किल सिखाए जाते हैं, क्योंकि एक स्किल है फाइनेंशियल मॉडलिंग जो मार्केट के अंदर काफ़ी इन है, तो क्या हमारे ऑडिट के अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है फाइनेंशियल मॉडलिंग? ऑडिट के अंदर इनफैक्ट फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आपको उसका एक एक्सपीरियंस मिलता है, आप सीखते हैं, आप मुख्तलिफ क्लाइंट्स पे जाते हैं, कोई क्लाइंट ओरेकल बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, कोई फाइनेंशियल, कोई किसी का अपना मतलब ERP वगैरह हैं, इस तरह के मॉडल्स हैं, सबके अपने अपने सैप चल रहे हैं कहीं पे, तो इनफैक्ट आप जिस क्लाइंट पे जाते हो आपको वहाँ मुख्तलिफ किस्म का एक फाइनेंशियल मॉडल सीखने को मिलता है, सॉफ्टवेयर के साथ इंट्रैक्शन आपकी बढ़ती है। थैंक यू सो वेरी मच अली फॉर योर टाइम एंड गुड लक टू यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अरम खान, इनकी जनवरी के अंदर इंडक्शन हुई है और इनकी इंडक्शन जो है ना वो स्टार्ट से ही स्कॉनमेंट के लिए, टैक्स की स्कॉनमेंट पर है ये, तो इनसे हम ना टैक्सेशन के क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम। अच्छा मुझे ये बताएं कि सबसे पहले वाई सी ए? यूजली FSC प्री इंजीनियरिंग में की थी मैंने, उस वक्त दो ऑप्शंस थी, मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं था, घर वाले चाहते थे कि इंजीनियरिंग में, स्पेशली मदर का ये था, लेकिन उनके प्रेशर में टेस्ट भी दिया था, नेशनल क्लियर भी हो गया, लेकिन मेरा अपना जो गोल था वो CA का था, और यूजली फैमिली में भी एक दो रिलेटिव हैं जो क्वालिफाइड CA हैं, तो उनसे भी डिस्कस किया था, फिर उनकी डिस्कशन के बेसिस पे CA स्टार्ट कर दिया। देन वाई KPMG? आपने कहीं और भी अप्लाई किया था? अप्लाई यूजली रिजल्ट के बाद जिस तरह सारे स्टूडेंट्स करते हैं, हर फर्म में अप्लाई किया था, गोल था कि बिग फोर में आने, तो KPMG से ज्वाइनिंग कॉल आई, तो वो दिन बेस्ट डे था उसके।
अच्छा, तो उसके बाद आप क्या, जैसे ये आपने किस शुरू से जो आर्टिकल्स हैं उस कॉन्वेंट पे हैं, सो जी फर्स्ट मंथ यूजुअली हमें जनवरी में ज्वाइनिंग की थी, तो फर्स्ट एंड हाफ मंथ जो था मेरा वो लोकल डेस्क में था। उसके बाद फिर इस कॉन्वेंट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, इंटरव्यूज उन्होंने स्केड्यूल किए, मैनेजर ने अपॉर्चुनिटी को बताया था कि अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इस कॉन्वेंट के लिए कवेद की, तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया, वो होपफुली अच्छा हो गया था, मोर देन बेटर देन एक्सपेक्टेशन। तो जब इंटरव्यू क्लियर हुआ उसके विद इन 10 डेज आफ्टर द इंटरव्यू वाज स्केड्यूल्ड, उसके बाद ज्वाइनिंग के उनका आ गया था, फिर ज्वाइनिंग प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, उसके बाद प्रोबेशन, तो प्रोबेशन में था, यूजुअली 2 मंथ्स प्रोबेशन होती है लोकल पॉलिसी, उसी दौरान कॉन्वेंट स्टार्ट हो गई थी मेरी। तो जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि समटाइम्स कॉन्वेंट में लिखा आता है कि यार हमें इस लेवल का एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए, आप बाहर से आए, आते ही आपकी इंटरनेशनल कॉन्वेंट स्टार्ट हो गई, सो आपको कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं हुई वहाँ पर काम में या किसी और हवाले से? ऐसा जितनी डिफ़िकल्टी नहीं आई, क्योंकि वहाँ की भी टीम काफ़ी कोऑपरेटिव लोग पीपल है, स्टाफ उनका, जो भी न्यू चीज़ आती थी और यहाँ पे भी कवेद की टीम काम कर रही थी उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, तो यूजली सारी टीम ने गाइड ओवरऑल अच्छा कर दिया था, जिसकी वजह से स्टार्ट से ऐसा जितनी खास डिफ़िकल्टी फेस नहीं आई थी। तो आपका जो आगे इरादा है वो उस कॉन्वेंट ही करने का या वापस मूव करना है लोकल टैक्स में, ऑडिट में? नहीं, मेरा गोल है लोकल में आना है, क्योंकि लोकल का एक्सपीरियंस भी, मुझे लोकल का काम करने का शौक़ भी है ऐसे, क्योंकि लोकल लॉ का पढ़ा हमने स्टडीज़ में, लोकल लॉ हुए, तो उससे भी यूजली चाहता हूँ कि नॉ हॉ हो लोकल टैक्स की भी। तो इसमें अब लोकल टैक्स में आपका आने का इरादा है या ऑडिट में? गोल तो ऑडिट का भी है, लेकिन ट्रेनिंग पीरियड में जितना मैनेज हो सके टैक्स का, लोकल ऑडिट भी। थैंक यू सो वेरी मच मोहम्मद अरमगान, एंड गुड लक टू यू फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अहमद, ये लोकल टैक्स के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रेनी है KPMG के अंदर, इनकी इंडक्शन लास्ट ईयर के अंदर हुई है, तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे इनकी CA जर्नी के हवाले से, वाई स्टार्टेड CA एंड देन वाई KPMG। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्पेयरिंग सम टाइम। और सबसे पहले तो ये बताएं कि वाई CA? CA में आने का कोई मेरा एक्चुअली स्टार्टिंग में प्लान नहीं था, लेकिन जो मेरे ताया अबू हैं उन्होंने मुझे CA में आने का मशवरा दिया, तो उन्हीं के मशवरे से मैंने CA परसू किया। ताया अबू को आप क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा। उनको आई थिंक 25 से 27 साल हो गए हैं, तो इसलिए मैंने ताया अबू को फॉलो की, उनकी बात मानी है आपने। अच्छा, फिर ये बताएं कि CA आपने स्टार्ट कर लिया, देन वाई KPMG? बाकी भी 4 फर्म्स हैं, आप तो कहीं भी जा सकते थे। मैं एक्चुअली KPMG से पहले 2 और फर्म्स हैं जहाँ पे मैंने अपनी इंडक्शन मेरी हुई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। ये बिग फोर में थी या वैसे कोई? नहीं, बिग फोर के अलावा थी, तो वो एक्चुअली फैसलाबाद में थी, तो मुझे उस दौरान ही KPMG में मूव करने का एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने इसको अवेल किया। तो आप यहाँ पर आए, आपको डिफरेंस फील होता है बिटवीन KPMG एंड, क्योंकि एक मिथ है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा है कि आर्टिकल्स कहीं से भी करो सेम एक्सपीरियंस मिलता है, सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आपको कोई डिफरेंस फील हो रहा है KPMG में आके या बाकी जो जिस फर्म में आप पहले थे? देखिए, ओवरऑल तो टैक्सेशन है वो तो सेम है, हर फर्म में सेम है, लेकिन KPMG में एक ये मुझे डिफरेंस फील हुआ है कि यहाँ पर मुझे इंटरनेशनल टैक्सेशन का भी एक्सपोजर मिला। ठीक है, उसमें बाकी जो है एज़ कम्पेयर टू इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको कोई डिफरेंस फील हुआ है इन्वायरमेंट के, कल्चर के हवाले से? कल्चर तो ऑब्वियसली बीइंग KPMG एक बिग फोर फर्म में से है, तो ऑब्वियसली कल्चर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दूसरी फर्म्स। तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट है, यानी ये जो मिथ है जो मार्केट में है कि लोकल फर्म हो या इंटरनेशनल फर्म हो दोनों में फ़र्क नहीं होता, तो ये एक झूठ है। मतलब अगर KPMG से आर्टिकल्स हों या बाहर से आर्टिकल्स हों तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है? नहीं, डिफरेंस है। जो छोटी फर्म्स हैं उनके आर्टिकल्स में और KPMG के आर्टिकल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सिर्फ टैग की वजह से है या वैसे भी कल्चर की वजह? कल्चर की वजह से भी है। गुड लक टू मिस्टर अहमद, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।